आज हम बनाने वाले हैं पनीर मोमोज, जिसे देख के तो आप रह ही नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा टेस्टी हम बनाएंगे मोमोज को, आप एक बार ट्राई करने का जरूर सोचेंगे। तो चलिए हम ऐसे ही प्यारे से अपने मोमोज को बनाना स्टार्ट करते हैं। नमस्ते जी, आपके अपने चैनल किरण विलेज फूड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं पनीर मोमोज। मोमोज का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ ही जाता है, चाहे कोई भी मोमोज हो। तो मोमोज देखिए, मार्केट वाला जब आप घर पे बनाने जाते हैं तो स्टीमर नहीं होता, कढ़ाई नहीं होती, तो माइंड पूरा चेंज हो जाता है। ऐसा लगता है कि चलो हटाओ, नहीं बनाएंगे घर पे, मार्केट से ही ला लेते हैं। बट ऐसा नहीं करना है। मैं आज आप लोगों के लिए एकदम इजी सा तरीका लाई हूँ, सिंपल नॉर्मल सी, जो रेगुलर आप घर पे डेली कढ़ाई यूज करते हैं, उसी कढ़ाई में हम आज इस मोमोज को बनाकर तैयार करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लग जाएगी तो लाइक करना ना भूलेगा, और कोई भी गलती अगर आपको थोड़ी सी भी लगे तो प्लीज मुझे माफ करिएगा, और मेरी गलती को एक बार बताने की कोशिश जरूर करिएगा। थोड़ी सी भी गलती हो तो आप बेफिक्र होकर बताइए, क्योंकि अगर मैंने कोई गलती की है आप बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ मैंने गलती की है, और मैं उस गलती को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाएगी तो लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं आप या फिर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए अभी तक नहीं किए तो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पनीर मोमो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पनीर ले रखा है, और पनीर को मैंने 200 ग्राम लिया है, और इसे मैंने हाथ से मैश कर लिया है, थोड़ा सा हाथ से तोड़ लिया है, और आप चाहें तो इसे ग्रेट करके भी ले सकते हैं। और हम देख लेते हैं हमें क्या चाहिए इस मोमो को बनाने के लिए। देखिए इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं लगता है, बट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कुछ लोग देखिए सब्जियां भी डाल के खाना पसंद करते हैं। एक बड़े साइज की प्याज एकदम बारीक कटी हुई, फाइन चॉप की हुई, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, यहाँ पे ले रखा है मैंने चाट मसाला, गरम मसाला, थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो डो को लगाने के लिए हमने यहाँ पे ले रखा है मैदा 1 कप छाना हुआ, और ये 150 ग्राम के करीब मैदा होगा। तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल, और फटाफट से हम डो तैयार कर लेते हैं। ज्यादा ऑयल बिल्कुल भी हमें नहीं डालना है, बस इतना ही हम डालेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे इसमें, और इसका एक अच्छा सा डो तैयार करेंगे। डो को हमने बनाकर तैयार कर लिया है लगाकर, तो थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे, यानी कि ऑयल से थोड़ा सा डो को हम ग्रीस कर देंगे, ताकि एक परत की जो पपड़ी बन जाती है ना वो ना बने। और मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल का यूज कर रही हूँ, यानी कि सरसों का तेल डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। और अब हम इसे कवर करके छोड़ देते हैं रेस्ट के लिए। जब तक हमारा डो अच्छी तरीके सेट हो रहा है तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं अपने मोमो के लिए। पैन को मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब ऑयल, और अच्छी तरीके से गर्म करेंगे। तेल को अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद हम फटाफट से इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च। इसमें हम जीरा लहसुन अदरक वगैरह का यूज नहीं करेंगे। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें कुछ भी ना डालें। साथ में हम ये प्याज भी डाल देंगे, और अच्छी तरीके से इनको भूनते हुए थोड़ी देर पकाएंगे। प्याज को मैंने भूनते हुए थोड़ी देर पका लिया है, और इतना ही हमें प्याज को पकाना है। अब हम फटाफट से इसमें डाल देंगे अपनी सारी ग्रेट की हुई पनीर को। फ्लेम को हम धीमी रखेंगे, और अच्छी तरीके से पनीर को मिक्स करेंगे प्याज और हरी मिर्च के साथ। अब हमने जितने भी मसाले ले रखे हैं वो सारे एक एक करके हम ऐड कर देंगे स्टफिंग में। नमक को भी हम डाल देंगे, और अच्छी तरीके से सभी मसालों को भी मिक्स कर लेते हैं हम। अब हम फटाफट से कर देंगे फ्लेम को बंद, और स्टफिंग को अपने करेंगे ठंडा। सारी स्टफिंग को मैंने प्लेट में निकाल लिया है, ताकि जल्दी से हमारी स्टफिंग ठंडी हो जाए फिलिंग। और मैंने नीचे कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। हम पानी को अभी रख देते हैं स्टीम होने के लिए। कढ़ाई में हम डालेंगे पानी। कढ़ाई में मैंने पानी डाल दिया है, और इसे हम कवर करके स्टीम होने देते हैं। अगर आपको आलू चाहिए, आपको आलू बॉईल करना है, सब्जी बनाना है, या फिर कुछ और आलू से बनाना है, तो इसी पानी में आप आलू को डाल के बॉईल कर सकते हैं, तो आपका दो दो काम हो जाएगा। रख देते हैं ये वाली थाली, और इसे हम ग्रीस करेंगे। सबसे पहले ग्रीस करने से ये होगा कि हमारे जो मोमोज हैं वो बिल्कुल भी थाली में लगेंगे नहीं, इजीली उड़ जाएंगे। तो इस तरीके से थाली को हम ग्रीस करेंगे, और ग्रीस करके थाली को हम हटा लेंगे कढ़ाई के ऊपर से, और कढ़ाई को अच्छी तरीके से प्लेट से कवर कर देते हैं, भाप आने देते हैं पानी में, स्टीम होने देंगे। जब तक पानी हमारा स्टीम होगा, गर्म होगा, तब तक हम सारे अपने मोमो बनाकर तैयार कर लेंगे।
हमने ये डो ले लिया है और डो देखिए कितने अच्छी तरीके से सेट हो गया है। तो इसे रखेंगे हम चॉपिंग बोर्ड पे। अब हम इसमें से लोई कट करेंगे। आप चाहे तो छोटी छोटी लोई बना के एक एक बेल लें, बट एकदम इजी तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से थोड़ी सी हम बड़ी ही लोई को कट करेंगे ऐसे। इस तरीके से ना मोमो बनाना बहुत आसान हो जाएगा आपको। लोई को देखिए मैंने बना लिया है, यहाँ पे पांच भाग में मैंने डिवाइड कर दिया है डो को। तो एक लोई को हम लेंगे अच्छी तरीके से, इसकी बड़ी सी लोई तैयार कर देंगे। ये देखिए लोई को मैंने बना लिया है। तो अब हम लेंगे सूखा मैदा और सूखे मैदे में हम इसे इस तरीके से डिप करेंगे। थोड़ा सा सूखा मैदा हम डस्ट करके इसे बेल लेंगे, एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे इसकी। इस तरीके से मोमोज बनाना काफी आसान हो जाता है। मैंने यहाँ पे काफी बड़ी सी रोटी बेल के तैयार कर ली है। इतनी बड़ी रोटी कोई थोड़ी ना बनाता है। तो अब हम इसे कट करेंगे। इसकी थिकनेस देखिए आप, मीडियम रखी है, बहुत ज्यादा मोटी नहीं रखनी है और बहुत ज्यादा पतली भी नहीं रखनी है। तो हम लेंगे कोई हाइपी मुंह की ग्लास, यानी कि कोई चौड़े मुंह की ग्लास या फिर कटोरी। तो मेरे पास ये बड़े मुंह की ग्लास है, तो इसी से हम कट कर लेंगे। आप अगर कुकी कटर से भी कट करना चाहते हैं तो कट कर सकते हैं, ग्लास नहीं है तो कटोरी से कट कर लीजिए। इसी तरीके से हम कट कर लेंगे। एक बार में तीन कट हो रहे हैं। बचे हुए पार्ट को हम वापस से साइड में रख देते हैं और अब हम इसे रखेंगे एक प्लेट में और मोमोज बनाना तैयार करते हैं। इसी तरीके से पहले तो हम सारा बेल कर तैयार कर लेंगे। कुछ पूड़ियों को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो एक पूड़ी को हम इस तरीके से उठाएंगे और चॉपिंग बोर्ड पे रखेंगे। स्टफिंग को रखने के बाद हम इस तरीके से उठाएंगे और प्लेट लगाना स्टार्ट कर देंगे ऐसे। देखिए कितना आसान है ना। आप एक बार बना लेंगे ना तो फिर आपको एकदम इजी लगने लगेगा, फिर तो आप हमेशा कभी भी इसे बनाकर तैयार कर लेंगे इस तरीके से। और इसे हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए कितना इजीली मोमो बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से आप भी मोमोज बनाकर तैयार कर सकते हैं। मार्केट जैसा है ना, सेब भी आया है मार्केट वाला। ये देखिए इसी तरीके से हम बना लेंगे अपने सारे मोमोज को। कुछ मोमोज हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, तो जो बने हैं उनको हम स्टीम कर लेते हैं। पानी को हम खोल के देखेंगे, उसके ऊपर हम ग्रीस की हुई प्लेट रखेंगे और एक एक मोमो को हम इसी के ऊपर रख देंगे, बने हुए सारे मोमोज को। देखिए कुछ लोग परेशान हो जाते हैं ना कि स्टीम करने वाली प्लेट नहीं है, मोमोज बनाने वाली आपके पास स्टीमर नहीं है तो मोमोज कैसे बनाएं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, कढ़ाई में ही इजीली मोमोज बनाकर तैयार कर सकते हैं। बट वीडियो आपको अच्छी तरीके से पूरा देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। एक बार में जितने आ जाएंगे उतने हम रख देंगे। वापस से हम इसे कवर कर देते हैं और 12 मिनट 10 मिनट तक हम इसे अच्छी तरीके से स्टीम होने देंगे। बचे हुए मोमोज को भी मैंने बनाकर तैयार कर लिया है और जो हमने स्टीम करने के लिए रखा है उसे भी हम देख लेते हैं। प्लेट को हम हटाएंगे। मोमोज देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से स्टीम हो गए हैं। मैंने टोटल 12 मिनट इन्हें पका रखा है और अब हम इसे निकालेंगे। ये देखिए कितने अच्छी तरीके से स्टीम हुआ है। जब ये स्टीम हो जाते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, इसमें जो भी स्टफिंग फील होती है वो झलकने लगती है। अब हम एक एक करके अपने सारे स्टीम हुए मोमोज को निकाल के प्लेट में रख लेंगे। अभी हल्का सा गर्म है तो संभाल के ही निकालिए ऐसे। सारे स्टीम हुए मोमोज को मैंने निकाल लिया है। बचे हुए मोमोज को हम सेम इसी प्रोसेस से रख देते हैं स्टीम होने के लिए। मैंने देखे सारे अपने मोमोज को बनाकर तैयार कर लिया है और देखिए कितने बढ़िया तरीके से मैंने पका रखा है। हम ले लेते हैं मोमोज की चटनी जो हमने बनाकर पहले से ही तैयार कर रखी है और अपने सारे अपने बने हुए मोमोज को इस तरीके से सर्व कर देते हैं। सारे मोमोज को मैंने खाने के लिए बनाकर तैयार कर लिया है, सर्व कर लिया है और मोमोज हमारा खाने के लिए तैयार है। आप भी ऐसे एक बार जरूर बनाइएगा, बनाकर ट्राई करिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। हम थोड़ा सा तोड़ के देखेंगे अपने मोमोज को। देखिए कितने अच्छी तरीके से मैंने पका रखा है और ये देखिए कितने अच्छी तरीके से मैंने इसमें पनीर को भर रखा है। आप भी ऐसे बनाकर ट्राई करिएगा, बनाइएगा, खाइएगा और प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे भी कमेंट में बताइएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक आप मुस्कुराते रहे, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली।